स्वागत नहीं करोगे हमारा तो वेलकम 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 एवरी वन टू दिस अमेजिंग सेशन एंड आई होप एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोलूटली अमेजिंग एक कॉमन सवाल जो बच्चे पूछते हैं सर हमको ये बताओ अगले अटैम्प में ना ऐसा कुछ तो बताओ कि ना बस अगले अटैम्प हमारा पास होना कंफर्म है है ना तो जैसे ना मेरे को काफी बच्चे पूछते थे आपको कितने एक अटेम्प्ट में पास हो गया था मेरे को नहीं लगे थे ए में बट आई नॉट गेट रैंक मतलब मैं तो इस वीडियो में मैं आपको पता है क्या गाइड करूंगा अगर आपको रियल में पास होना ना, एक ही बार में है ना डजेंट मैटर की अगला पहला दूसरा तीसरा जो भी है बट इफ यू वॉन्ट योर नेक्स्ट अटेम्प्ट टू बी लास्ट अटेम्प्ट डू वॉच दिस वीडियो इसमें इतनी बेसिक चीजें बताऊंगा ना जो आपको लगेगा सर इतने ही करने करने से से ही पास हो जाते। ही करने से पास हो हो जाते जाते इतना बट द मोस्ट यूजफुल एंड द मोस्ट सुनने के पहले बिना सुनता ना आदमी तो काम ही नहीं आता भाई साहब पहले करना फिर सुनना अब शुरू करते सबसे पहली बात अगर आपको अगले अटेम्प्ट में पास होना तो ना, सबसे पहले गेट योर बेसिक बेसिक साइट कवरेज इंश्योर करो पूरी हो सर क्या क्या चीज कवर करेंगे तो हम पक्का पक्का पास हो जाएंगे एम टेलिंग यू यू जस्ट हैव टू कवर द स्टडी मटेरियल पास्ट आरटीपीज एम टी पी एंड योर पास्ट क्वेश्चन पेपर अब आर टीपीज एम टी पीस और पास्ट uh, पेपर में तो सिक्सटी सेवेंटी परसेंट क्वेश्चन वही होते जो मॉडल में आपके ऑलरेडी स्टडी मटेरियल ऑलरेडी है है ना तो आप कोई भी आपने मेरी कर ली मेरी क्वेश्चन किया पेपर में तो वट एवर क्वेश्चनिंग जस्ट इन्श्योर की इसमें वो कवरेज है काफी बच्चे में कोई पूछा ये तो कर लिया इसके अलावा और कोई करो क्या बाहर से -सी -सी -ए वाले क्वेश्चन वाले क्वेश्चन भाई ये किया ना तूने उसके बाद टाइम बच रहा है ना तो इसको किया उसको रिवाइज करो ठीक है एक्स्ट्रा कुछ करने का जरूरत नहीं है और अगर आईसीआई को नया क्वेश्चन बना के पूछना भी है तो वो वहां से नहीं पूछने वाले वो कहीं और से पूछेगा तुमको मालूम भी नहीं पड़ेगा तो वो तुम वैसे भी क्रैक कर लोगे अगर तुमने ये जो बेस मटेरियल है वो प्रॉपरली कवर किया है तो ठीक है सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग द बेसिक्स राइट इतना कर लो इसी को बार बार रिवाइज कर लो इसी को बार बार कंसाइज करो डेढ़ दिन के लेवल पर कंसाइज कर लो इसको तो काम बन जाएगा आपका फर्स्ट थिंग कवरेज सेकेंड थिंग एक डिसीजन लो और उस पर फॉर्म रहो फॉर एग्जाम्पल काफी बच्चे ना आखिरी में ना तो झूलते रहते हैं। एक ग्रुप दो दो ग्रुप दो एक ग्रुप दो दो ग्रुप दो एक ग्रुप दो दो ग्रुप दो भाई अपनी सिचुएशन आज देखो दिल पे आतर कर देखो कि अगर आप एक बार पढ़ के मिनिमम दो बार रिवाइज कर सकते हो तो कोई भी सब्जेक्ट अगर आपको लगता है दो ग्रुप देना है तो पूछो क्या मैं पूरा दो ग्रुप एक बार पढ़ के दो बार रिवाइज कर सकता हूं मिनिमम मिनिमम ठीक है ऑफ कोर्स नंबर ऑफ रिवीजन इज नॉट समथिंग विच विल स्टे सेम अक्रॉस द स्टूडेंट्स इट विल वेरी बट एक एवरेज लेके चलो कि दो रिवीजन करना ही आपको ठीक है एक स्टडी दो रिवीजन अगर ये कर सकते हो देन गिव बोथ ग्रुप अगर आपको लगता है नहीं नहीं एक बार पढ़ के तो हो जाएगा दो, दो रिवाइज नहीं हो पाएगा

सेकेंड चीज थर्ड चीज थर्ड चीज इज वेरी इंपॉर्टेंट आप मोस्टली मेरे वीडियो में शायद इसलिए आए हो ताकि आपको लगे आज सर मोटिवेट हम होंगे और हम पढ़ने बैठेंगे मैं बोलू मोटिवेशन इज अ वेरी टेम्पररी थिंग ठीक है इवन आई ट्राई टू मोटिवेट समटाइम्स इट इज नीडेड बट इफ यू आर नीडिंग मोटिवेशन एवरी डे मे बी एवरी ऑल्टरनेट डे तो ये ये लेवल ऑफ माइंडसेट से आप कभी भी क्लियर नहीं करोगे ध्यान रखना मोटिवेशन से ऊपर भी एक चीज होती है जिसकी वजह से आप पक्का पास हो जाओगे वो है डिसिप्लिन बिल्ड अ रूटीन डिसिप्लिन इज बोरिंग इट इज़ डिफिकल्ट टू बिल्ड बट दैट इज अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट थिंग अगर आपने आज डिसिप्लिन बिल्ड डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है एक फिक्स टाइम आपका आप प्लान बना के चलते हो आप उठते हो सपोज मैंने बनाया प्लान मेरे को दिन में उठने नहीं होता मैं रात को पढ़ता था ठीक है तो मैंने सिंपल सा प्लान बनाया कि यार मैं दिन में सोंगा सपोज आई स्लेप्ट एट सेवन ए एम फ्रॉम सेवन ए एम टू टू पी एम आई विल स्लीप टू पी एम आई विल गेटअप हैव गेट रेडी गो टू लाइब्रेरी स्टडी ठीक है फिर तीन से लेकर नौ बजे तक पढ़ूंगा नौ से दस या साढ़े दस तक खाना वाना खाऊंगा टेन थर्टी से मॉर्निंग चार पाँच छः बजे तक जो भी so है पढ़ूंगा सिंपल दिस इज माई रूटीन सो बिल्ड अ रूटीन ठीक है मोटिवेशन कैसा है आज आज सर ने मोटिवेट किया आज गए लाइब्रेरी ले जम जम ला के बारह घंटा पढ़ा क्या कल वही घोड़ा वही मैदान बुक ही, ही दन, नहीं खोली जा रही कल ये नहीं होता दिस इज दिस इज द इफेक्ट ऑफ मोटिवेशन जो खत्म हो जाएगा कभी कभी है ना महीने एक महीने में जरूरत पड़ती है भाई बहुत लो फील हो रहा था कोई आके अपलिफ्ट कर देता अच्छा लगता है दैट इज़ ओके है ना बट बिल्ड अ डिसिप्लिन डिसिप्लिन इज समथिंग जिसकी वजह से आपको एज मिलेगा अदर्स। मेहनत 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 आपको सब करते हुए दिखेंगे। Consistent करने वाले लोग सिर्फ दस परसेंट और जो मेरा रूटीन था वही आपका हो अगर किसी को सुबह उठने को जमता तो सुबह उठो किसी को रात को जगने जमता रात को जगो तुम्हारी मर्जी है ना उसमें कोई तुमको फोर्स नहीं करेगा बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है उसके अलावा अब मैं जो बात करूंगा ये बिलीफ को लेकर है मुझे लगता है सीए में जितना गेम हार्डवर्क है उतना गेम माइंडसेट का भी है ठीक है तो आपका माइंडसेट हमेशा ये होना चाहिए दैट यू कैन अचीव इट मैक्सिमम लोगों का है क्या पता है उल्टा होता है मेरे से नहीं होगा मैंने उसको देखा उससे भी नहीं हुआ वो भी बोल रहा है मेरे से नहीं होगा तो मुझे भी लग रहा है मेरे से नहीं होगा तो तुमको एक तो हल्की सी चिंगारी होती है कि तुमसे नहीं होगा दस लोग आके फूक डालते हैं कि हाँ हाँ तेरे से नहीं होगा तो फिर तुमको लगता तुमसे होगा ही नहीं ये नहीं होना चाहिए तो जब तुम इतना कवरेज अच्छे से कर रहे हो जब तुम मेक श्योर करोगे तुम आर टी स्टडी मटेरियल करोगे तुम मेक श्योर करो तुम एक बार पढ़ के दो बार रिवाइज करोगे इतना करोगे तुम मेक श्योर करो तुम डिसिप्लिन मैनर में कंसिस्टेंट एफर्ट मारोगे ठीक है तो यू हैव टू हैव दैट बिलीफ कि आपसे हो सकता है दैट पॉजिटिव माइंड सेट इज गोइंग टू टेक यू प्लेसेस नॉट ओनली इन सी ए बट आफ्टर सी एज वेल ठीक है तो यू शुड हैव दैट बिलीव दैट यू कैन अचीव इट मैं बोला तुमसे हो सकता है भाई तुम अगर यहां तक पहुंचो तुम इतने सारे एग्जाम पास करके पहुंचो ना यहां तक तो हो तो सकता है तुमसे बिलीव होना चाहिए तुम्हारे अंदर ठीक है ध्यान रखना उसके अलावा अगर आपने इतना सब कर लिया ना और कुछ नहीं चाहिए ठीक है तो आपको सुनने में लगेगा सर ये सब तो बेसिक चीज है यही करना है यही करना है ठीक है ध्यान रखना और बाकी आपको लगता है ना कि मेरा कोई क्लास वीक है क्लासेस ले लो कोई लगता है कि मेरे को रिवीजन में दिक्कत है रिवीजन वीडियोस करो सब हो जाता है सब हो जाता है इंसान पढ़ने बैठता है ना टाइम देता है ना किसी सब्जेक्ट को तो हो जाता है ठीक है वो आपके लिए अपना जगह बनते हुए चलती है लेकिन आप बिना पढ़े से बैठ के सोचोगे ना वो मुझे लग रहा है कि मैं उठाऊंगा तो याद नहीं आएगा याद नहीं आएगा तो क्या करूंगा ऐसे सोचोगे तो कुछ नहीं होगा लेके बैठोगे करना शुरू करोगे तो अपने आप रास्ते निकलते भाई अपने आप रास्ते निकलते ठीक है ध्यान रखना सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट उसके अलावा अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है ना तो एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी और बताता वो है पेशेंस आज के टाइम पे ना लोगों का पेशेंस बहुत नीचे आ गया है मतलब आपने अगर मुझे सात मिनट सुन लिया तो आपके अंदर पेशेंस तो है क्योंकि अभी कैसा होता है अभी रील का जमाना है पंद्रह सेकंड में ज्ञान दो सर है ना एक मिनट में ज्ञान दो सर हमको सात आठ मिनट नहीं सुनना आपको तो अगर आपने यहां तक देखा तो पेशेंस भी है आपके अंदर सो दैट इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी विच यू कैन विच यू कैन यूज़ टू बिल्ड डिसिप्लिन इन अ कंसिस्टेंट मैनर ऐसा तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तो अगर यहां तक वीडियो देखा है ना तो कमेंट जरूर करके जाना कि सर वी वी कैन अचीव इट ठीक है वी विल डू इट वी विल हैव दैट पॉजिटिव माइंड ठीक है इतना चीज़ें करो फिर देखना तुम फेल लोगों के दिखा दो मान जाओ तुमको मैं ठीक है इतना चीज़ें करना तो लिख के रखना ये सब और आज अगर तुमको थोड़ा बेटर फील हुआ ना तो इसी के अराउंड एक डिसिप्लिन वाला प्लानर बना के चलोगे कि हमारे ये प्लानर हम ये फॉलो करेंगे इट इज़ ओके तो प्लानर ऊपर नीचे जाएगा बट इट बिल्ड अ प्लानर ना टाइमलाइन तो मालूम पड़े कब कहाँ तक पहुंचेंगे ठीक है बस तो ये था आपके लिए छोटा सा वीडियो मुझे लगा आपको जरूरत पड़ेगी इसकी तो मैंने बना दिया ठीक है तो अगर ऐसे कोई हेल्पफुल वीडियोस की जरूरत पड़ेगी कमेंट सेक्शन आप ही क्या बता देना उसके अलावा वीडियो अगर यहाँ तक देखा पसंद आए तो लाइक जरूर करके जाना उससे आपको तो कुछ नहीं मेरे को ज़्यादा अच्छा फील होगा और आपके लिए ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ बनाने का मन करेगा ठीक है है, तो शुक्रिया एवरीवन लास्ट में थोड़ा ब्लर हो गया हूं मैं, तो माफ कर देना उसके लिए तो शुक्रिया एवरीवन थैंक यू सो मच अर सीमल